नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। अन्नदाता कहिए, किसान कहिए, धरती पुत्र कहिए या फिर बदनसीब कहिए। जी हां, बदनसीब, क्योंकि जो किसान खून पसीना बहाकर फसल को पैदा करता है, अगर उसे खून के आंसू रोने पर मजबूर होना पड़े, फरियाद करने के बाद थक हार कर मुंडन कराना पड़े, तो फिर कैसे कहे कि प्रदेश में किसान खुश है, खुशहाल है। आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं उसमें दर्द है, बेबसी है, लाचारी है, अपंगता है, लापरवाही है, अंधापन है और फरेब है, क्योंकि किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। किसानों के सामने कई तरह की मजबूरी है। आसमानी आफत की आहत के बीच हर वक्त वो सहमा रहता है। अगर आसमानी आफत से बच जाए तो फिर सिस्टम के नाकारापन का डर उसके दिल में हमेशा घर करके बैठा होता है, क्योंकि न जाने कब किस फसल के दामों का फर्जीवाड़ा उसकी मेहनत को खा जाए और कब किस फसल को मंडी लेने से इनकार कर दे। यानी किसानों के सामने हर वक्त बर्बादी का साया होता है। आज आप हमारे एक शब्द का मतलब समझेंगे, जरा इस रिपोर्ट को समझेगा और देखने की कोशिश कीजिए। इन आंसुओं की कोई कद्र नहीं, इस बेबसी की कोई फिक्र नहीं। मेहनत के मेहनताना की मुफलसी, किसान की जान आफत में फंसी, मुंडन करा, आंसू बहा, सब सहा। राजस्थान में किसानों की हालत खराब होने की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बूंदी में चने के नाम पर किसानों से लूट खसोट का धंधा जोरों पर है, लेकिन इस धंधे के बीच अंधे सिस्टम की आंखों का पानी जब मरता है तो फिर किसानों की आंखों से आंसुओं का जो सैलाब आता है वो हर किसी के दिल को रोने पर मजबूर कर देता है। प्रदेश में इससे ज्यादा बदकिस्मती कुछ नहीं हो सकती कि ना तो किसान की फसल का मोल है और ना ही किसानों के आंसुओं का मोल, क्योंकि मोल सिर्फ उनकी मेहनत का है। जिनकी मेहनत में पसीना नहीं, पैसा है, वो पैसा जो सिस्टम के ऐशो आराम को आसान करे, तभी तो किसान रो रहा है, बेबसी जता रहा है, थक हार कर मुंडन करा रहा है। मुंडन का अपना अर्थ है, क्या ये किसान अपने अरमानों की अर्थी को सिस्टम रूपी शमशान के नियम रूपी आग में जला चुका है, या फिर सिस्टम का ही अंतिम संस्कार कर मुंडन करा, उसकी आत्मा को झकझोरने के लिए उसकी आत्मा की शांति कर रहा है। मामला बूंदी का है, जहां 2 लाख से ज्यादा किसानों ने चने की फसल पैदा की। कुछ किसानों का ही चना बिका, बाकी इंतजार करते रहे। बूंदी मंडी में फसल को खरीदने वाला कोई नहीं। 20 दिनों से ज्यादा वक्त से किसान मंडी में इंतजार कर रहे हैं।
कमाल का सिस्टम है, या कहें कि कमाल का तमाशा है, जहां किसान को तमाशा बना, पूरा सिस्टम तमाशबीन की भूमिका में आ खड़ा हुआ और सरकार उस मदारी की भूमिका में जो नियमों का डमरू तो बजाती है लेकिन सिस्टम उस पर नाचता नहीं। लेकिन इस तमाशे में सबसे ज्यादा जो लुटता है वो किसान है, जिसके दम पर सियासी फसल उगती है, सत्ता का स्वाद चखा जाता है, योजनाओं का अंबार खड़ा किया जाता है, लेकिन किसान पर जितने भी एहसान का एहसास सरकार कराती है उसको अंधा सिस्टम लापरवाही के अंधकार में ऐसा खोता है कि किसान सिर्फ रोता है। अरे यार ये बाबूलाल है जिसकी खुशकिस्मती ये है कि सरकार और समाज इसे अन्नदाता कहता है, और बदकिस्मती ये है कि ये अन्नदाता अन्न के दाने दाने के लिए रोता है, खुद को कोसता है, किस्मत को कोसता है, मुंडन कराने पर मजबूर होता है, लेकिन ना इसे आंसुओं के सैलाब से सिस्टम का नकारापन धुलता है और ना ही मुंडन के बाद सिस्टम का नया जन्म होता है। तो हर कोई यही कहता है कि तू क्यों रोता है। बूंदी से संवाददाता भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। अरे यार आंसुओं का भला कोई मोल होता है? जुबान से सुनोगे तो कहोगे कि अनमोल होते, लेकिन सिस्टम के लिए ये अनमोल आंसू भी बेमोल हैं, क्योंकि उसकी खुद की आंखों का पानी सूख चुका है। लेकिन ये किसान क्यों रो रहा है, क्यों अपनी बदकिस्मती को कोस रहा है, इसको जरा देखिए और सोचिए। प्रदेश में किसानों की बर्बादी की पटकथा को आखिर कैसे लिखा जा रहा है, जरा इस रिपोर्ट को भी देखिएगा। बूंदी जिले में करीब 2 लाख किसानों ने चने की फसल की पैदावार की है, जिसमें से कुछ किसानों ने निजी तौर पर चने की फसल को नुकसान पर बेच दिया, तो 95% किसानों ने सरकारी कांटों पर चने की फसल को बेचने के लिए टोकन खरीद लिए। उन्हें सरकार के माध्यम से बूंदी मंडी में खरीद के लिए मोबाइल पर मैसेज भी आया और खरीद 15 मार्च से 22 मार्च तक चली। लेकिन इसी दौरान किसानों के साथ भेदभाव कर उनकी फसलों को बिना खरीदे बैरंग वापस लौटा दिया। किसानों का आरोप है कि कड़ी मेहनत से फसल की पैदावार की और मंडी में सिर्फ कलर देखकर फसल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका विरोध किया तो 1-2 दिन का नाम लेकर कई दिन निकाल दिए और आज तक फसल नहीं खरीदी गई। 14 तारीख को दे दिया था और 22 तारीख को मैसेज देके मेरे को बुलाया और मैं चने लेके आया तो कांटे का तोल चल रहा था। मेरे पहले 4 या 5 ढेर तुल चुके थे। इन्होंने 2 बजे कांटे को बंद किया, जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था और कांटे को बंद किया 2 बजे और वहाँ से परसों के दिन तोलेंगे, ऐसे करके बंद कर दिया और कांटे को लेके और अपने ऑफिस चले गए। किसान बाबूलाल ने बताया कि जब बूंदी कृषि मंडी पहुंचे तो सैकड़ों किसान अपने चने की फसलों को लेकर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई खरीदने आए, लेकिन 22 मार्च से बंद खरीद के बाद कोई आया नहीं और किसान मंडी में फसल की रखवाली करने सहित खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं। किसान मंडी में इस कदर परेशान है कि इनकी सुनने वाला तक कोई नहीं है। 17 तारीख को तो उन्होंने कहा कि हम 20 तारीख के बाद तोलेंगे, तो भाई ठीक है 2 दिन और पड़े रह जाते हैं हम। फिर उन्होंने 26 दिन का नाम लिया, फिर मैंने 181 नंबर कॉल किया तो उन्होंने 2 तारीख का दिया, मैं 2 तारीख को आपके इतने तोल जाएंगे। जब 2 तारीख को चलो तो मैंने 3 तारीख को कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी, तो कलेक्टर साहब ने की कि आपके इतने वहाँ
अटल सेवा केंद्र पर, तो यहाँ पर मिले कहे वहाँ जाओ अटल सेवा केंद्र, यहाँ साहब नहीं मिलेंगे, तो अटल सेवा केंद्र पर वहाँ दे के आए कि हम भेज देंगे। सरकारी खरीद केंद्र जिले में देई, इंद्रगढ़ और बूंदी जिला मुख्यालय पर चले थे, जो 15 मार्च से 22 मार्च तक चले। जिन किसानों ने खरीद केंद्र पर फसल बेची, उनकी फसल को नमी और कलर देखकर फसल को रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि नियम ये कहता है कि लाल चने डॉलर किस्म और पीले चने C-235 किस्म के माने जाते हैं, जिसमें से डॉलर किस्म सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। किसानों के पास सबसे ज्यादा डॉलर किस्म की पैदावार है, जिसे खरीद केंद्र पर रिजेक्ट कर दिया गया। बूंदी कृषि मंडी में किसान को मिला बार बार आश्वासन, 20 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं खरीदी फसल। थक हार कर किसानों ने कलेक्टर से भी लगाई गुहार, किसानों की फसल को कृषि मंडी का खरीदने से इनकार। इसी परेशानी के साथ किसान बाबूलाल जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी चने की फसल को बेचने के लिए आया है और चने का ढेर लगाकर प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसकी फसल जल्द खरीदी जाए। यही नहीं, पीड़ित किसान बाबूलाल के घर पर कोई नहीं है, ऐसे में वे पिछले 20 दिन से बूंदी मंडी में पड़ा हुआ है, परेशान होकर रो रो कर न्याय की गुहार लगा रहा है कि उसकी फसल खरीदी जाए। यही नहीं, किसान बाबूलाल ने अपने हक के लिए और लाचार सिस्टम के लिए मुंडन तक भी करवा लिया। लेकिन जब मीडिया ने मामले को उठाया तो एडीएम नरेश मालव बोल रहे हैं कि किसान कोई सा भी हो, उनकी फसल खरीदी जाएगी, किसानों के साथ भेदभाव नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से जो उसकी वैरायटी को लेकर राजफेड के माध्यम से, नेफेड के माध्यम से इश्यू आया था, तो हमारे जो ट्रक भेजे थे वो ट्रक उन्होंने वहाँ जमा नहीं किए। उसके बाद हमने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी, टेक्निकल पर्सन थे उसमें, कि भाई इसमें जो शिथिलता नेफेड को दी जानी चाहिए, तो उसके लिए लेटर बना के हमने भेज दिया था और संभवतः उसका समाधान हो गया है और जल्दी उसके आदेश आने वाले हैं। और यही कि बाबूलाल ही नहीं, जिले के जो भी और भी किसान हैं उनके साथ पूरा न्याय करेंगे। अब प्रशासन ने जल्द ही बूंदी में सरकारी केंद्रों पर बिना कलर रिजेक्ट किए फसल खरीदने की बात कही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसान जब तक रोएगा नहीं, जब तक वो मुंडन नहीं कराएगा और जब तक मीडिया सवाल नहीं करेगा, क्या किसानों को यूं ही खून के आंसू रुलाया जाएगा? बूंदी से संवाददाता भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो बूंदी में अन्नदाता की कैसे दुर्दशा हो रखी है, इस पर चर्चा करेंगे और ज्यादा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे।